नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कामदेव के प्रचंड शक्तिशाली बीज मंत्र क्लिंग के बारे में। क्लिंग के अंदर बहुत ही जबरदस्त घोर शक्ति, रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है। इसके बहुत से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं अगर हम पूरी तरह से इस बीज मंत्र के बारे में समझ गए तो। क्लिंग बीज मंत्र को काम बीज मंत्र भी कहा जाता है। इस बीज मंत्र के स्वामी माता काली, भगवान श्री कृष्ण और प्रेम के देवता कामदेव माने जाते हैं। स्त्री पुरुष के बीच आपसी प्रेम, आकर्षक व्यक्तित्व, सौंदर्य और काम भावना के प्रति आकर्षण के लिए कामदेव का आवाहन किया जाता है। कामदेव मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करते हैं, लेकिन उनकी पूरी शक्ति मूलाधार में स्थित होती है। आज के इस कलयुग में कामदेव की शक्तियों को हर व्यक्ति पाना चाहता है। इनकी शक्ति के बिना देवता, मनुष्य, दानव सब निर्जीव हो जाते हैं। इनके बहुत से नाम हैं, जैसे मदन, अनंग, पुष्पवान, करदप इत्यादि। आज के युग में सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उन्हीं की बात सुने, उन्हीं को माने, उन्हीं को प्यार करें, उन्हीं को मान सम्मान मिले, उन्हीं को देखें। हम पुरुष की बात करें तो पुरुष चाहता है सब स्त्री पुरुष उसे देखकर, उनकी बातों को सुनकर तथा उनसे मिलकर प्रभावित हो जाएं। खासकर उनमें स्त्रियों को आकर्षित करने की चाहत ज़्यादा होती है, और स्त्री चाहती है कि उसका शरीर आकर्षक और सौंदर्य से भरा हो, सबकी निगाहों में वही रहे। इसमें से कुछ लोगों के अंदर प्राकृतिक रूप से ये क्षमताएँ होती हैं, इसलिए वे जिस क्षेत्र में भी स्त्री पुरुष होते हैं वे उस क्षेत्र में अपना प्रभाव दूसरों पर डालते रहते हैं और तरक्की करते रहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष के अंदर ये क्षमता नहीं होती, इससे वे अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करते हैं। सही ढंग से तरक्की न कर पाने की वजह से वे हीन भावना का शिकार होने लगते हैं और आज के प्रतिस्पर्धा से भरी हुई दुनिया में वे पिछड़ने लगते हैं। कामदेव के क्लिंग बीज मंत्र के जाप से बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे कि इस बीज मंत्र के नियमित उच्चारण से मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाता है, आकर्षण शक्ति प्रबल हो जाती है। कामदेव का जप अपने प्यार को अपनी तरफ खींचने के लिए भी किया जाता है। ये प्रेम और यौन इच्छाओं को शक्ति देते हैं। कामदेव प्रेम की देवी रति की पति हैं। इन दोनों की कृपा के बिना मनुष्य को उनका प्यार वापस नहीं मिलता। इस बीज मंत्र से पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका में मन मुटाव दूर होने लगता है। नियमित जब से सामने वाले व्यक्ति का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ जाता है। यह स्त्रियों में भरपूर यौवन प्रदान करता है, पुरुषों में आकर्षक व्यक्तित्व बनाता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का मौका मिलता है। आपकी बातों में या हाव भाव में जबरदस्त आकर्षण छुपा रहता है। यह एंटी एजिंग शक्ति प्रदान करता है, यानी उम्र का प्रभाव शरीर पर कम होता है, आपको सुंदर आकर्षक दिखने में मदद करता है, हीन भावना दूर कर आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यौन क्षमता में वृद्धि करता है, यौन समस्या से लाभ मिलता है, गुप्त अंग की समस्या से लाभ मिलता है, ठंडेपन की समस्या से लाभ मिलता है। अब जानते हैं इस क्लिंग बीज मंत्र का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं, 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें, फिर अपने आज्ञा चक्र को यानी दोनों आंखों के बीच के भाग को पिंच करें और उस जगह पर ध्यान देते हुए क्लिंग बीज मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी क्लिंग 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 इस तरीके से जाप करना है, लेकिन बुदबुदा कर जाप करना है। बुदबुदा कर जाप करने की पद्धति को उपांशु जाप कहा जाता है। यह जाप 10 मिनट तक करें। 2-3 मिनट तक जाप करते करते आपकी जबान चिपकने लगेगी, यानी आप ठीक ढंग से नहीं बोल पाएंगे, फिर भी 10 मिनट तक जाप करना है। इस तरह से यह अभ्यास 41 दिन तक करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि कामदेव की कृपा आप पर होने लगी है। अब जानते हैं कि अगर कुछ खास तरह की समस्या उत्पन्न हो जाए तो इस बीज मंत्र का उपयोग कैसे करें। जिन कन्याओं में विवाह के समय अड़चने आती हैं, बार बार रिश्ते टूट रहे हों, तो ऐसे में अगर कोई लड़के वाले देखने के लिए आ जाएं, तो लड़के के सामने 1 मिनट तक क्लिंग बीज मंत्र का उच्चारण करके ही जाएं। पति पत्नी के बीच में अगर अनबन हो गई हो और बातचीत बंद हो तो एक गुलाब का फूल हाथ में लेकर 1 मिनट तक क्लिंग बीज मंत्र का जाप करें और उस फूल को अपने बेडरूम में रखें। ऐसा 7 दिन नियमित करें। प्रेमी प्रेमिका के बीच में अनबन हो गई हो
तो मोर पंख हाथ में लेकर 1 मिनट तक क्लिंग बीज मंत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामना करें और उस मोर पंख को घर के मंदिर में रखें। ऐसा 3 दिन करें। दूसरे दिन सभी मोर पंख को पानी में डाल दें। याद रखें, सिर्फ सही और उचित कार्य के लिए ही इस विधि का उपयोग करें। गलत नियत से किया गया कोई भी कार्य नुकसान पहुंचाता है। कुछ जरूरी बातें। क्लिंग बीज मंत्र की शुरुआत हमेशा शुक्रवार से करें। क्लिंग बीज मंत्र बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल माना जाता है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा होने पर ही इस विधि को अपनाएं। अपने स्वभाव में घमंड न आने दें। गलत नियत से कभी भी कोई कार्य न करें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस अभ्यास में पश्चिम की दिशा की तरफ मुंह करके आपको मंत्र का जाप करना चाहिए और शाम को 7 बजे के बाद यानी सूरज डूबने के बाद इस मंत्र को जपना चाहिए। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगासम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था पूरे भारत में अलग अलग विषय पर सेमिनार आयोजित करती है, जैसे कि हिप्नोटिज्म, रेकी, प्राणिक हीलिंग, कुंडलिनी ध्यान, पास्ट लाइफ रिक्रिएशन, एस्ट्रल ट्रेवल, ऑरा रीडिंग, पैरानॉर्मल, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, यंत्र मेकिंग। इस तरह के बहुत से विषय सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसे आप क्लिक करके अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।